हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार। आज हम चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल चालू करने जा रहे हैं, बहुपद। बहुपद पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। बहुपद व्यापक सूत्र है पी एक्स। पी एक्स बराबर ए जीरो ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस ए एन एक्स। बहुपद पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल से पी एक्स बराबर ए वन ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डैश प्लस ए एन एक्स के पावर एन, जहाँ ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए एन यानी रियल नंबर है, रियल नंबर या वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या है। ए एन नॉट इक्वल जीरो, ए एन कभी भी जीरो नहीं होगा। एन एक ऋणात्मक पूर्णांक है। एन एक ऋणात्मक पूर्णांक है, जैसे दिया है एग्जाम्पल नंबर थ्री एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू एक्स माइनस रूट थ्री। तो वास्तविक संख्याओं पर बहुपद, वास्तविक संख्याओं पर बहुपद है। तो यदि बहुपद में एक्स के स्थान पर चर y हो तो इसे चर y में बहुपद कहते हैं। तो चर अचर समझ लेते हैं। चर चर एक्स वाई जेड में आता है, यानी ए बी सी डी ए से जेड तक ये चर हो जाएगा। और चर वन टू थ्री फोर अंक वाले ये अचर है। उसके बाद बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपद के मानक रूप, बहुपद के मानक रूप को इस दर्शाते हैं टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस प्लस टू। ये बहुपद के मानक रूप है, बहुपद के मानक रूप है। बहुपद बहुपद के मानक रूप में आ जाता है एक पद्य बहु द्विपद्य और त्रिपद्य। एक पद्य में उपद आता है जिसमें केवल एक पद हो। जैसे एक पद्य में उप एक ऐसे बहुपद, एक पद्य में ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पद्य बहुपद कहते हैं। यानी एक पद्य बहुपद को मोनोमियल मोनोमियल बहुपद कहते हैं। मोनोमियल मोनोमियल मतलब एक पद्य जी हो जाएगा। उसके बाद एक पद्य में आ जाएगा टू थ्री एक्स फोर एक्स सिक्स एक्स स्क्वायर फोर एक्स क्यू। ये सब क्या है, एक पद्य है यानी मोनोमियल है। मोनोमियल सेकेंड नंबर में है द्विपदीय। द्विपदीय ऐसे बहुपद जिसमें दो पदों से द्विपदीय कहते हैं। द्विपदीय ऐसे पद जिसमें दो पद हो उसे द्विपदीय कहते हैं, जिसे बायनोमियल के नाम से जानते हैं। बायनोमियल बायनोमियल जिसमें दो पद हो उसे द्विपदीय कहते हैं। जैसे में आठ एट माइनस टू एक्स थ्री सिक्स फोर सिक्स यू के पावर फोर प्लस टू यू। जैसे फिर वाई के पावर टू माइनस फोर। ये क्या है, ये दो पद्य जिसमें दो दो पद हो। एक पद्य में केवल एक पद होता है, द्विपद्य में दो पद होता है। उसके बाद आता है त्रिपद्य। ऐसे बहुपद जिसमें तीन पद हो उसे त्रिपद्य कहते हैं। त्रिपद्य त्रिपद्य यानी ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल ट्राइनोमियल में त्रिपद्य ऐसे पद जिसमें तीन पद हो। जैसे में
एक्स के पावर 4 माइनस 3x प्लस 2 या टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 बटे 3। इसमें क्या है, तीन पद है, उसे त्रिपदी कहते हैं। त्रिपदी में एक शून्य पद पर शून्य शून्य बहुपद आता है। त्रिपद एक पद यदि पद त्रिपद के क्लियर होगा, उसके बाद शून्य बहुपद, शून्य बहुपद यानी जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल शून्य बहुपद। ऐसे बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य है उसे शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे जीरो एक्स के पावर 3 प्लस जीरो एक्स प्लस 0, फिर जीरो टी के पावर 2 प्लस जीरो टी प्लस 0। ये क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों शून्य बहुपद यानी जीरो पॉलिनोमियल्स है। उसके बाद लीनियर लीनियर बहुपद, रेखीय बहुपद, रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलीनोमियल्स, रैखिक बहुपद। ऐसे बहुपद, ऐसे बहुपद जिसमें x, ऐसे बहुपद जिसमें x, ऐसे बहुपद जिसमें चर x घात के पावर 1 हो जैसे, उसे लीनियर यानी लीनियर पॉलीनोमियल या रैखिक। ऐसे बहुपद जिसमें x के पावर चर x के पावर 1 हो जैसे 2x प्लस 5 या x प्लस 5 बटे 2। लीनियर पॉलिनोमियल में ऐसे ऐसे चर जिसमें एक्स के पावर 1 हो उसे रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल्स में द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद आ जाता है, द्विघात बहुपद, बहुपद यानी क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स द्विघाती बहुपद। ऐसे बहुपद जिसके घात दो घात के बहुपद वाले को द्विघाती बहुपद कहते हैं। द्विघाती बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, दो घात के बहुपद वाले, दो घात के बहुपद वाले को द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे x के पावर 2 माइनस 4 या x के पावर 2 प्लस 5 एक्स प्लस 6। ये क्या है, द्विघाती बहुपद है, ये द्विघाती बहुपद है। जैसे t के पावर 2 प्लस 5 टी प्लस 4, क्या ये क्या है, ये द्विघातीय बहुपद है, त्रिघातीय बहुपद। ठीक उसी प्रकार त्रिघातीय बहुपद में इसके पावर 3 हो जाएगा। जैसे त्रिघातीय बहुपद में लिख लीजिए x के पावर 3 प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस प्लस 2 यानी 4। तो क्या हो जाएगा, ये त्रिघातीय बहुपद है। एक्स के पावर 3 प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 एक्स प्लस 4 क्या है, ये त्रिघातीय बहुपद है, ये द्विघातीय बहुपद। उसके बाद चतुर्थ बहुपद में यानी बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में आ जाएगा। चतुर्थ में 4 घात होगा, 4 यानी यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर एक्स हो जाएगा, फिर 2 जो भी है, ये चतुर्घातीय बहुपद में आ जाएगा। उसके बाद रैखिक बहुपद शून्य, जैसे x के 0 मान लेते हैं, 0 रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद का शून्य अंक f(x) = 2x + 3, 2x + 3 अगर हम x = k लेते हैं तो f है fk = 2k + 3, 2 k प्लस 3 बराबर 0, 2k बराबर माइनस 3, तो k बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 3 बटे 2। ठीक, बहुपद पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल व्यापक व्यक्त किया जाता है a1 प्लस a0 प्लस a1x प्लस a2x प्लस a3x क्यूब डेड एस एन ए एन एक्स के पावर एन जाए a1 a2 a3 क्या है a4 डेड एस एन क्या, ये रियल यानी वास्तविक संख्या है, ए वन ए टू ए थ्री क्या, ये रियल यानी वास्तविक संख्या है। बस ठीक है।